देखिएगा यहाँ पे सूजन भी आ रखी है घुटने के आगे वाले हिस्से में और दूसरे घुटने के अंदर की तरफ। यदि घुटने दर्द की वजह से घुटने से नीचे का हिस्सा यानी काफ मसल्स हो गया, पैर का तलवा हो गया और पांचों की पांचों उंगलियों में सुन्नपन रहता है, झंझनाहट रहती है, तो कैसे हम इस समस्या को ठीक करें ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इनके दोनों घुटने जाम हो रखे हैं, घुटनों में तेज दर्द है। सबसे पहले पलंग पर या फिर जमीन पर कमर के बल सीधे लेट जाएं, फिर घुटनों के नीचे एक ऐसा रोलर रखें, ठीक है? अब रोलर से रखने के बाद आप दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ऐसे रखें और इसको ऐसे रोल करें। घुटने के पीछे की मसल्स की मसाज करनी है आपने रोलर के जरिए। ये आप स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद आपने एक एक पैर को ऐसे उठाना है, सीधा करना है और पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचना है। ये ऐसे, ये देखिएगा पूरा सूज रखा है घुटना, घुटने में तेज दर्द है, सूजन है और जाम हो रखा है। ये 5 से 7 सेकंड या 10 से 15 सेकंड के लिए रोक के रखें, फिर पैर के पंजे को अपनी तरफ ऐसे खींच लें। ये 2 से 3 मिनट आपको ऐसा लगातार करना है, ठीक है? ये ऐसा सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है, फिर सीधा। अब आपने क्या करना है, एक हाथ घुटने के ऊपर ऐसे रखा, फिर पैर को नीचे लेके जाना है, फिर ऊपर 2, 3, 4, 5 और फिर पैर को रिलैक्स कर दीजिएगा। ऐसा ही आपको दूसरे पैर से भी करना है। पैर ऊपर उठाया, पैर को सीधा ऐसे खींचना है, पैर के पंजे को अपनी तरफ, फिर पैर का पंजा सामने की तरफ। ये देखिएगा ये होती है सूजन घुटने की, ये कटोरी से ठीक आगे वाले हिस्से पे। इस वजह से घुटने में तेज दर्द होने लगता है और घुटना जाम हो जाता है। ये ऐसे नीचे, अब घुटने को सीधा रख के पैर को ऊपर नीचे करना, 2, 3, 4, 5। ये करने के बाद अब आपको घुटने की मालिश करनी है तेल लगा के। तेल कोई भी हो, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, नारियल का तेल हो या फिर गाय का घी हो, घुटने के चारों तरफ लगा दे बढ़िया से, फिर ऐसे मालिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ऐसे आपको मालिश करनी है घुटने की। आप ऐसा स्वयं भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर को और ऊपर से नीचे को, ताकि जो जाम घुटना है वो जल्दी से जल्दी खुले, घुटने की स्वेलिंग खत्म हो और घुटने में होने वाला दर्द पहले ही दिन कम से कम 50 से 70% ठीक हो। ये ऐसा करना अपने घुटने की मालिश। ये फिर आपने पैर के पंजों की मालिश करनी है। ऐसे रखें पैर के पंजों और उंगलियों की मालिश करें ऐसे। ये
पांचों की पांचों जो पैर की उंगलियां है ना, उनकी आपने अच्छे से मालिश करनी है, ताकि पैर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े, पैर में होने वाला झंझनाहट और पैर में होने वाला सुन्नपन दूर हो सके। तो ऐसे ये फिर उसके बाद आपने काफ मसल्स को दबाना है। ये ऐसे अब दिखाता हूं मैं आपको, देखिएगा घुटना कितना अच्छे से मूव करने लग गया। ये देखिएगा बिल्कुल एकदम से फ्री हो गया है, लेकिन ये 1.5 से 2 घंटे तक ऐसा फ्री रहेगा। तो इसका मतलब है आपको रोज कम से कम 45 दिन ऐसे करना है घुटने की एक्सरसाइज और मसाज, ताकि आपके घुटने का दर्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो सके। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये वीडियो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।